हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स के जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन को लेके कि सर वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट पे कॉल जा रहा है, ठीक है, हमारे कॉन्टैक्ट पे कॉल करने की धमकी दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है, अगर हम इनका लोन नहीं देंगे तो ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं, हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड का ये फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, इसी तरह के कुछ जरूरी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है फर्जी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो को पूरा देखते रहो, और अगर कोई चीज मैं भूल जाता हूं तो उस चीज को आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली वीडियो बना के उसका भी जवाब दूंगा। तो गाइज, अगर आप भी लिए हो एक फर्जी लोन एप्लीकेशन से या फिर बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, आपके मतलब सिविल में शो नहीं होती है, ठीक है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दी है, सेंसर लेटर नहीं दी है, कोई भी उनका आता पता नहीं है, 7 और 15 दिन का लोन देती हैं, तो ये वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहना। क्या आपको पेनल्टी के साथ कभी लोन एप्लीकेशन का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कोई और वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, चलिए अब आपको बताता हूं लोन एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस, पहला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड का ये किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हां गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं है कि 100% की कर ही लेंगे, लेकिन कुछ परसेंट उम्मीद है कि फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड लोग हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले इधर उधर का पैसा लोन में लोगों को देते थे वाइट करने के लिए, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो फर्जी अकाउंट खुलवा सकते हैं आपके नाम पे, ठीक है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से कहीं फर्जी किसी और एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, तो इस तरह की चीजें ये कर सकते हैं। तो आप साइबर क्राइम, ठीक है, या फिर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का कंप्लेन कर सकते हो कि सर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड इन इन जगह पे लगा है, अगर इससे कुछ भी होता है तो मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। इनका लोन अगर आप चुका भी देते हो फिर भी आपको कंप्लेन करना है, क्योंकि अब तो आपने गलती कर दिया है, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए भैया अपने तरफ से तैयारी पूरा रखो, जरूर कंप्लेन कराओ, ठीक है। ये पहला हो गया, ये मैं सेफ्टी आपको बता रहा हूं कि आप अपने सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ एक कंप्लेन करा दो, हो गया, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि कल को आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो आप बच जाओगे साफ साफ, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। सो गाइस, एक और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर अगर हम फर्जी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। गाइस, कुछ भी नहीं होगा, अगर वो फर्जी है, सिविल में शो नहीं हो रहा है, लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया है, सेंसन लेटर नहीं दिया है, अगर वो भाग चुका है प्ले स्टोर से, 7 और 15 दिन का आपको लोन दिया है, अगर ये 4-5 चीजें हैं तो गाइस समझ जाना वो फर्जी है, उसका पेमेंट नहीं भी दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब रहा कि डेली डेली जो वो पेनल्टी लगाता है 500, 400, 500 के लोन को 50,000 कर दिया है, तो क्या आपको पूरा पेनल्टी के साथ उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले का। तो गाइस, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, वो फर्जी है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए डेली पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं ताकि आप डर जाओ और आपको लोन का जो अमाउंट है वो देना पड़े पूरा बढ़ा के, ठीक है। मतलब आप 5,000 का लोन लियो तो बहुत लोग डर के 50,000 दे भी देते हैं कि हाय भगवान मेरा और बढ़ जाएगा, मेरा तो कई लाख पहुंच जाएगा। तो गाइस, ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से 500 का भी लोन लियो तो जरूर डेफिनेटली भरना, क्योंकि अगर नहीं भरोगे तो आगे आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा समस्या आने वाला है, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगा और आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं भरोगे तो, चाहे वो 500 का है या फिर 5 लाख का है, ठीक है। जो फर्जी है उनका तो मैं खुद बोल रहा हूँ मत भरो, कुछ नहीं आपका कर पाएंगे, ठीक है। अब गाइस, जो हमारा तीसरा टॉपिक है कि सर हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड को ये लोग बोलते हैं मैसेज कर करके कि ब्लॉक करा देंगे, ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा, पुलिस आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस क्या, मिलिट्री भी अगर आ जाए और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं, अगर आपके पास सारा प्रूफ है कि आपको गाली दिए हैं, ठीक है, आपको इतना बुरा प्रताड़ित किए हैं, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किए हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, फेसबुक बोल रहा था सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उसमें आपको फोटो के ऊपर चोर लिख के भेजे हैं, अगर इन ये सभी कॉल रिकॉर्डिंग जो आपको गाली वगैरह दिए हैं, इतना मतलब गलत गलत काम आपके साथ किए हैं, ये अगर आप प्रूफ रखे हो ना, तो ये कल को कुछ भी अगर करते हैं, ये लीगल तो आ नहीं सकते, कोर्ट जा नहीं सकते, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर डर है कि कोर्ट चले जाएंगे, हे भगवान मेरा क्या हो जाएगा, अब तो कोर्ट चले जाएंगे तो हमको पूरा पैसा देना पड़ेगा, तो भाई जो भी प्रताड़ित आपको किए हैं ना, आप ये पूरा एविडेंस संभाल के रखना, उस दिन पूरा काम में आएगा, ठीक है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, इनकी औकात नहीं है, ये कोर्ट में जा ही नहीं सकते, खुद साले फर्जी हैं, पुलिस वाले खुद इनको पकड़ रहे हैं, ये क्या कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगर चले गए कुछ नहीं आपका उखाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं, अगर ये चले भी गए हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट में अगर चले भी जाएंगे तो जाके बोलेंगे क्या
क्या बोलेंगे कि हमको मेरा लोन नहीं मिला तो हम इनको गाली दिए थे, हम इनको परेशान किए थे, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किए थे, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के चोर लिखे थे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को ये गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो उससे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन बंद हो गई हैं, बहुत सारी नई प्ले स्टोर पर आ गई हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, और ये आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक नहीं करा सकते। ये क्या इनके बाप और परदादा और दादा में भी दम नहीं है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक करा दें, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आईडी है, गवर्नमेंट ही उसका कुछ भी कर सकती है, कोई और नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका सेफ है, लेकिन बस यही डर है कि कहीं लोन ना ले लें, बैंक अकाउंट खुलवा के फर्जी ट्रांजेक्शन ना कर ले, सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से यही प्रॉब्लम है। ये हो सकता है, वो भी मात्र 5-7% उम्मीद है, ये नहीं कि हो ही जाएगा। इसलिए आप एक साइबर क्राइम या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दो, बाकी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल निडर रहो और जो भी लीगल एप्लीकेशन से आप लोन लिए उसका पेमेंट करो, ठीक है। और गाइस बहुत लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत लोगों को परेशान किया जा रहा है, बहुत लोगों को मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, इतना पैसा दो उतना पैसा दो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों का अगर पेमेंट कर भी दोगे ना, फिर भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के दम पे आपको डराएंगे ही डराएंगे, क्योंकि यही उनके पास एक हथियार है। आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुंच गया है, ये सबसे बड़ा उनका हथियार है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट से हम इनसे कितना भी पैसा निकलवा सकते हैं। क्या पता आप लोन भर दो, दोबारा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, क्योंकि गाइस ये एक नंबर के फ्रॉड हैं। अगर आप डर रहे हो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल ना चला जाए, ठीक है, और आप इनको पेमेंट कर दिए जो भी लोन का पेमेंट है पेनल्टी के साथ, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा आपको नहीं डरा सकते हैं। ये दोबारा कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पे आपको डरा के आपसे लोन दोबारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन वाले हैं, रिकवरी एजेंट हैं, ये अपना जेब भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक काम करो, जाओ नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम में ऑनलाइन घर बैठ के मोबाइल से या लैपटॉप से आप कंप्लेन कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख लेना साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करें। कंप्लेन करके वो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं सबको उसका मतलब कॉपी भेज दो, मतलब जो पीडीएफ आपको पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ लंबा चौड़ा सा मिलेगा, उसको भेज दो और उसके बाद बोल दो भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन वाला या कोई भी आपको कॉल करके बोले कि ये लोन ले लिए, आप इनको जानते हैं, ये आपके नाम पे लिए हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन ले लिए, क्योंकि ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके बोलते हैं कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन ले लिए हैं और ये दे नहीं रहे, ठीक है, कुछ ऐसा भी ये लोग बोलते हैं। तो गाइज आप बोल दो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को कि देखो भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मुझसे पैसा मांगने के लिए, मैं लोन ले लिया था, अब उसका ये गलत फायदा उठा रहा है। अगर कोई भी ऐसा कॉल तुमको आए कि वो पूछे कि भैया आप इनको जानते हैं क्या, फलाने आपके नाम से इतने का लोन ले लिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन ले लिए, तो तुम बोल देना नहीं भाई मैं नहीं जानता हूं। और अगर ज्यादा कुछ करे तो बोल देना कि भाई मेरा तो खुद वो पैसा लेके बैठा हुआ है, मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसा कुछ अपने तरफ से उनको बोल देना कि वो मैनेज कर लें। आप लोग बोल दीजिएगा कि वो मैनेज कर लें, ठीक है, जैसे ही वो मैनेज कर लेंगे दो तीन बार और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले कॉल करेंगे, उसके बाद कॉल करना ही बंद कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर फर्जी जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं उनके पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है ही नहीं, सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर डराते हैं और उसके बाद आपसे पैसा ले लेते हैं, लोन का पेनल्टी ले लेते हैं, 1,000-2,000 रुपए भी मांगते हैं कि चलो इतना दे दो बाकी बाद में दे देना, 1,000 रुपए दे दो मैं सेटल करा देता हूं। तो कोई भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी दे तो पैसा देना हमेशा के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैसा मत दो, कंप्लेन करो, ठीक है, कंप्लेन करोगे उसके बाद आप FIR करके सबको भेज दोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, खुद ही कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल जाएगा तो वो लोग सचेत हो जाएंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले और वो खुद ही समझ जाएंगे, अपने तरीके से बता देना कि आप हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। तो पैसा मत दो, कंप्लेन करो, जैसा मैं बताया वैसा करो, यही था आज के इस वीडियो में गाइस। कोई भी पेनल्टी के साथ पैसा नहीं देना है, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले का पैसा नहीं भी दोगे तो चलेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं पेनल्टी से मत डरो, ये झूठ मूठ का पेनल्टी लगाते हैं, बाद में सारा पेनल्टी हटा के बोलेंगे जितना लिए हो उतना ही दे दो, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में बस यही था, ऐसे ही मजेदार और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।